हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द डे। उठ गया हूँ और अब चल रहे हैं खुशी को छोड़ने। तो खुशी को छोड़ के आते हैं और आज विनय की दवा पूरी कंप्लीट हो गई, तो विनय को चलेंगे डॉक्टर को दिखाने। फीवर जो है उसका अभी उतर नहीं रहा है। फीवर मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बस फीवर जो है वो उतर नहीं रहा है। मतलब कि वो कम है, पहले से भी कम है जो दवा के मेडिकेशन के पहले था। अब जो है वो अब 100 डिग्री, 99.5 ऐसे इस रेंज में है। बाय बाय, आगे चलेंगे पापा कार से, बिकॉज उनको फिर जाना है कहीं और, अब मैं जाऊंगा पीछे बाइक से, बिकॉज मुझे बीच में एक जगह स्टूडियो वगैरह पे भी काम है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा काम करके मंदिर में सीधा देना है, तो सीधा देंगे मंदिर में, फिर उसके बाद हम चलेंगे और आगे पापा चल रहे हैं। बादल एकदम पहाड़ जैसे होता है ना, मुझे बहुत मस्त लगता है जो बादल की आकृतियाँ होती हैं, कभी पहाड़ जैसे, कभी शिव जी बन जाएंगे, मतलब ऐसे आकृतियाँ इतनी सुंदर लगती हैं आसमान की। तो गाइस स्टूडियो में आ गए हैं, तो फोटो यहाँ पर फ्रेम करानी है। तो उसके पीछे ये स्टोरी है कि हमारे कस्टमर थे, तो मतलब वो बहुत पुराने कस्टमर थे, मतलब 20+ ईयर्स के। उनका अब नेक्स्ट जनरेशन जो है तो फॉलो अप कर रहा है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग गिफ्ट करेंगे, बिकॉज वो उनके फादर लगते थे, तो उनको हम गिफ्ट करेंगे ताकि वो मेमोरी वो हमेशा अपने फ्रेम में लगा करके अपने शॉप पे रखेंगे, तो उनको हमेशा याद आती रहेगी कि हाँ हमने इस कंपनी का जो है प्रोडक्ट यूज़ किया है, और हमेशा मोटिवेट होते रहेंगे कि पापा मेरे पहले बेचते थे, अब मैं वही काम कर रहा हूँ, तो एक एज अ मेमोरी हम लोग गिफ्ट कर रहे हैं उनको। सो गाइस हम लोग स्टूडियो आ ही गए थे, तो हम तीनों लोग की जोड़ी यहाँ बनी हुई थी, मेरी पापा की और विनय की, तो हम तीनों लोगों ने अपनी एक फैमिली फ़ोटो करा ली एकदम धीरू भाई की तरीके। मैं थोड़ा सीखता हूँ धीरू भाई अंबानी जी से, तो मैं अब उसी तरीके से हमारी फ़ोटो खींची गई। हाँ, हम लोग हॉस्पिटल आ गए, अब विनय को दिखाते हैं। हमारे बगल एक छोटा सा बच्चा बैठा, इतना तेज है, अपने फ़ोन में स्नैपचैट चला रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ छुपके से। आजकल के छोटे छोटे बच्चे इतने तेज हो गए हैं, जान लीजिए आप, मतलब कि मुश्किल से 3-4 साल का होगा लेकिन इतना तेज है, फोन में स्नैपचैट चला रहा है, फिल्टर्स यूज कर रहा है। इस विनय को दिखा दिया है, डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन वजन कम करो तीनों लोग, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम तीनों लोग जिम चला जाए, और पहले हम और पापा जाते थे लेकिन अब हम सब लोग जिम जाएंगे, तो डॉक्टर ने कहा कि वेट कम करिए थोड़ा सा, चाय राइस वाइस थोड़ा अवॉइड करिए और फ्रूट्स पे और सैलड्स पे ज़्यादा फोकस करिए। तो अब हम विनय तो पक्का जाएंगे जिम, और पापा भी चलेंगे, पापा चलेंगे ना, हाँ पापा भी चलेंगे, तो हम लोग एक टाइम पे चला जाए, हम तीनों लोग करा जाए जिम। सो गाइज हुआ क्या यार, 2:12 हो रहे हैं और खुशी को हम लोग लाना ही भूल गए, और लाना क्या भूल गए, मतलब वही हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम लग गया, अब खुशी चिल्लाएगी मेरे ऊपर, पक्का चिल्लाएगी। लेकिन वैसे 10 मिनट ही हुआ है, लेकिन 10 मिनट बहुत होता है स्कूल के हिसाब से, स्कूल में ना 1-1 मिनट लेट हो जाओ ना, तो मैं भी जब स्टूडेंट था ना, जब लेट आते थे पापा कभी, मतलब वैसे तो मैं साइकिल से जाता था मान लो, लेकिन कभी अगर पापा लेट आते थे तो ये होता था कि यार इतना देर हो गया, ये अब क्या होगा, गुस्सा लगती थी अंदर से, लेकिन और देर कितना होता था, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, लेकिन स्कूल में जब आप अकेले रहते हो ना, छुट्टी हो जाए ना, तो मन करता है कि कितने जल्दी कोई पेरेंट्स, अगर आप पापा के साथ जाते हो या फैमिली के कोई आता है लेने, तो बहुत बुरा लगता है अंदर से कि यार इतना देर से कहाँ थी। तो अभी खुशी का मुझे सुनना पड़ेगा, मैं सुन लूँगा शांति से, गुस्साते हुए आ रही है गाइस, भगवान का मैं सुन लूंगा, कोई दिक्कत नहीं यार, खुशी यार माफ कर दो यार, डॉक्टर डॉक्टर क्या गए थे इसको दिखाने, पापा को फोन किए हैं हम दो बार, हॉस्पिटल में गए थे यार, नहीं उठा, इतना इग्नोरेंस तो हमको, चलो अच्छा ठीक है यार, सॉरी यार, चलो चलो। हाय ब्रो, हाउ आर यू, इतनी जबरदस्त धूप है और मौसम भी साफ है, इसके बाद भी बारिश हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी बारिश हो रही है, ये हमें लग रहा है कि ये कहा जाता है कि सुअर का कि कुत्ते का कि पता नहीं क्या, गधे का या सियार का, मतलब शादी हो रही है ऐसे धूप में, जब मतलब बारिश होती है जब तक, तो ऐसा मौसम है। चलिए अब रखते, नहीं तो फोन में बिगड़ जाएगा, यूट्यूब चैनल बन जाएगा मेरा फिर। अच्छे बादल कैसा है देखिए, कोई बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं है, इसके बावजूद बस 1 किलोमीटर के अंदर में इतना ज़बरदस्त भीग गया हूँ। जलालपुर अम्बेडकर नगर में आता है ना। सो जैसी आया गाइस, ये गाड़ी लद रही थी, अब लद करके गई, इसका कागज वागज बना दिया, आपने देखा ही होगा, बादल साफ हैं, धूप निकला हुआ है, इतना भिगा दिया है ना, ये देखिए पैंट वेंट देखिए मेरा, ये शर्ट वर्ट इतना ज़बरदस्त भीग गई है कि ऐसे ऐसे निचोड़ दो ना तो पानी निकला है, एक मग। सो गाइस घर चल रहे हैं, लेकिन गैया को अब हम कुछ खिला के जाएंगे, बिकॉज जब मैं आता हूँ ना तो वो मुझे एज अ ट्रीट मैन समझती है कि मेरे लिए कोई ट्रीट लेके आएंगे, अभी कोई ट्रीट लेके आएंगे, बिकॉज मैं उसको डेली कुछ ना कुछ खिलाता रहता हूँ। तो चलते हैं अब उसको जल्दी से खिलाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर।
देखो क्या लाए हैं तुम्हारे लिए, लो खा लो। सो गाइज मैं जा रहा हूँ अब घर, और तिवारी आ गए गेट पे। तिवारी कहाँ गए थे आप? गए थे सर पशुहार पहुँचाने। पशु असुविधा तो नहीं हुई? नहीं नहीं कोई सर। सब जगह उतर गया? जी जी सब एकदम खुशी खुशी उतरवा लिए। कोई कुछ कह रहा था क्या? नहीं कुछ नहीं। कोई और बढ़िया कोई बात बताया हो तो वही बताइए। नहीं सर लोग खुश थे। अब हम लोग चल रहे हैं घर, बिकॉज घर चल करके एडिटिंग करनी है, 4-6 वीडियोस पेंडिंग पड़ रहे हैं, तो उसकी एडिटिंग करके जल्दी से सही करता हूँ, बिकॉज मेरा एग्जाम आने वाला है। बहुत तो सुंदर भिंडी दिख रही थी गाइस, तो भिंडी ले लेते हैं, भिंडी उंडी ले करके फिर चलते हैं। तो गाइस बिना बोला था बहुत दिन से वड़ा पाव नहीं खाए हैं, तो सोचा चलो वड़ा पाव ले लेते हैं उसके लिए। तो वड़ा पाव पैक कराएंगे फिर चलेंगे घर, सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे। फाइनली घर आ गया हूँ, सारा सामान वामान लेकर के। इतना थक गया हूँ कसम से, भीगते हुए गया था और कपड़ा वहाँ पर अपने आप ही सूख गया, टाइम ही नहीं मिला कि चेंज करें, और चेंज करते भी क्या, कोई ऐसा कपड़ा तो लिया नहीं था। और जब बारिश भैया हो रही है ऐसी कि आप 10 कदम चल रहे हो तो बारिश रुक जा रही है, 10 कदम चल रहे हो तो बारिश बहुत तेज़ हो जा रही है, फिर कहीं हल्की हो रही है। अब किस्मत ख़राब थी आज, मुझे भगवान ना भिगाना चाहते थे, यही कारण मुझे लगता है। अरे यार वाइटनर नहीं वापस किया, चलो ठीक है कल कर देंगे, वाइटनर नहीं वापस कर पाएंगे। दिख रहा है कैमरे पे, हाँ कैमरे पे दिख रहा है कि वाइटनर यहाँ कॉलर लगा हुआ है, लेकिन कल दे देंगे। एक्चुअली ना वाइटनर ख़राब हो गया था हमारा, तो ये 30 रुपये का लिया था, तो ये लोग कहने लगे कि जाओ वापस कर दो, 15-15 का दो ले लेना, तो वही कल करेंगे। खुशी कुछ लाए तुम्हारे लिए? कुछ लाए हैं खाने के लिए? बड़ा पाव, बड़ा पाव खाओ आराम से, मम्मी को भी दे देना, मम्मी तो गुस्सा करेंगी, बिकॉज मम्मी मतलब कि अगर मेरा मुझे रात में डिनर ना बनाना पड़े कुछ ऐसा लेकर के आओ, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता है, नाश्ता टाइप का है। तो गाइस अब हम सभी लोग बैठ करके वड़ा पाव खा रहे हैं, और वड़ा पाव बताना कैसा है, तुम सब लोग बताओ। हम फर्स्ट टाइम खा रहे हैं जो मुंबई। क्या कर रही हो? फर्स्ट टाइम। कैसा है? वड़ा पाव इन्होंने नहीं खाया था गाइस, आज तक कभी वड़ा पाव नहीं खाई। यही जो मुंबई में बनता है वही यहाँ भी बनने लगा। हाँ मुंबई वाला वड़ा पाव है, मुंबई में जो बनता है वही यहाँ पर। लेकिन इसमें जैसे भरता पड़ा हुआ, भरता नहीं है, वो पकौड़ी होती है, वो पकौड़ी इसके अंदर पड़ती है। खैर गाइस बहुत सुंदर बना है, मैं खाए बिना जान रहा हूँ, बिकॉज जो जहाँ से लाया हो ना वो अच्छी शॉप है, आपने देखा होगा कैसे वो बना रहे थे। तो गाइस अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, बिकॉज 11 बज रहा है, बल्कि खाना मम्मी खा ही रही है, मैं अब जा रहा हूँ खाने, और 11 बज रहा है, 11:30 बजने वाला है। और गाइस आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, और मम्मी का सच बताऊँ, मम्मी बनाई है कद्दू की सब्जी और पराठा, इतनी सुंदर सब्जी इन्होंने बनाई है, इनका हाथ चूमने लायक है। सच बताऊं जो सब्जी मुझे पसंद है उसको जो ये जब बना देती है मन से तो इतनी प्यारी बन जाती है सब्जी, मैं सच बता रहा हूँ, कोई वो नहीं, दिल से बना रहा हूँ, पेटू नहीं मम्मी, अच्छा आपने बहुत अच्छा बनाया है सच में। सो गाइस यही था आज के लिए, और मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाय।